हेलो दोस्तों, नमस्कार। कुमार रिपेयरिंग हाउस में एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम फिर से एक येलो कलर की स्क्रीन का फॉल्ट लेकर के आए हैं, जो कि आप सब मोबाइल स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि इस सीआरटी टीवी में हमारी पिक्चर जो है दोस्तों येलो कलर की आ रही है। तो दोस्तों, हम पहली वीडियो में हम बता चुके हैं येलो कलर की फॉल्ट अगर आती है सीआरटी टीवी पे तो दोस्तों 2482 का ट्रांजिस्टर से भी फॉल्ट होता है। लेकिन दोस्तों, आज की जो वीडियो है दोस्तों, ये कुछ कमाल की होने वाली है। इस वीडियो में ना 2482 का ट्रांजिस्टर ख़राब है, ना तो रेजिस्टेंस ख़राब है, ना तो मेन आईसी ख़राब है, लेकिन क्या फॉल्ट है दोस्तों, अगर आप सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर हमारी वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और ऐसे ही रोज़ नई नई टेक्निक और सुझाव जानना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट कीजिए। तो दोस्तों, चलिए हम जो है दोस्तों सीआरटी बोर्ड पर जाएंगे और आप सबको दिखाएंगे येलो कलर की जो फॉल्ट है दोस्तों कहां से आई है और कैसे सॉल्व हमें इस तरह की फॉल्ट को करना है। तो दोस्तों, चलिए बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखिए। ये छोटी सी पार्ट से वीडियो है दोस्तों, जो कि 2.5 से 3 मिनट के अंदर ही आप सबको ये समझ में आ जाने वाली है येलो कलर की फॉल्ट को। तो चलिए, हम सीआरटी टीवी को खोल के रखे हैं, आप सबको हम दिखाएंगे ये फॉल्ट जो है कहां से आई है। तो दोस्तों, देख सकते हैं सीआरटी टीवी को कम्प्लीटली हम खोलने के बाद जो है दोस्तों आप सबको हम दिखाएंगे ये जो फॉल्ट है ये अधिकतर कहां से आई है। तो दोस्तों, जब भी कलर की कोई भी पार्ट्स में गड़बड़ी होता है तो दोस्तों हमें बेस बोर्ड पर ही चेक करना पड़ता है। आईसी से जो है दोस्तों 50% चांस रहता है, जब हमारी बेस बोर्ड से कभी नहीं बनती है तब हम आईसी को रिमूव करते हैं और दूसरा आईसी लगाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहां नतीजा कुछ और ही है। आप सबको ऐसी वीडियो कोई भी नहीं बताया होगा जो आज हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जो है दोस्तों अंत तक देखिए और बिना स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि आप सब जो है दोस्तों वीडियो को भगा के देखते हैं, इसीलिए दोस्तों बीच का पार्ट्स आप लोग स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से आप सब समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज हम मल्टीमीटर के द्वारा आप सबको हम बताएंगे बेस बोर्ड का कम्प्लीटली रिपेयर करना। तो दोस्तों, जब हम सीआरटी टीवी पर लाइन देते हैं और हमारी जब टीवी हमारी ऑन हो जाती है और स्क्रीन हमारी लाइट आ जाती है, तो दोस्तों हमारी कोई भी कलर, अगर वो ब्लू रहे, रेड रहे या ग्रीन रहे, तो तीनों कैथोड में से अगर एक भी कैथोड हमारी ख़राब होती है दोस्तों, तो जो है दोस्तों यहाँ ट्रांजिस्टर पर ही हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यहाँ से अधिकतर। लेकिन दोस्तों, इस टीवी में जो है दोस्तों कुछ नतीजा और ही है। चलिए हम देखते हैं दोस्तों कहाँ से ये फॉल्ट हुआ है। तो यहाँ मल्टीमीटर को फॉलो करेंगे दोस्तों, हम ग्राउंड कहीं पर भी एक वायर को हम कर देंगे, जो कि हम इस तरह से ग्राउंड कर देते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ हम ग्राउंड कर चुके हैं और मल्टीमीटर को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों, हमारी जो एक कैथोड है दोस्तों रेड कलर का, यहाँ देख सकते हैं रेड कलर में हमारी 127 वोल्ट आ रही है। और दूसरा जो कैथोड है दोस्तों ग्रीन का, यहाँ देख सकते हैं ग्रीन में भी हमारी 114 वोल्ट या 117 वोल्ट हमें देखने को मिलता है, जबकि हमारी यहाँ ब्लू कैथोड इस जगह है दोस्तों। लेकिन ब्लू कैथोड पर देख सकते हैं 125 वोल्ट की सप्लाई हमारी आ रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो फॉल्ट हुआ है वो आप सब देख करके हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ जो ब्लू कैथोड है, ब्लू कैथोड देख सकते हैं बेस बोर्ड से जो एक पिन निकलता है, वो पिन हमारी जो है दोस्तों यहाँ गायब है, देख सकते हैं। ये नया टेक्नीशियन जो है दोस्तों इसे रिपेयर किया है, जब वो ट्रांजिस्टर भी चेंज करके देख लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस जो लगा हुआ था वो भी चेंज करके देख लिया है, सप्लाई यहाँ तक आ रही है। लेकिन जो दोस्तों हमारी पिक्चर ट्यूब पर जो जाती है दोस्तों लीड, वो जो लीड है दोस्तों वो लीड यहाँ से गायब है। इस तरह की फॉल्ट हमारी इस बेस बोर्ड पर आ जाती है तो कैसे रिपेयर करें? तो दोस्तों, सीधी सी और सिंपल सी तरीका है दोस्तों, हमारी जो पिक्चर ट्यूब की नोब है, चलिए हम दिखाते हैं दोस्तों। हम सबसे पहले टीवी को ऑफ करते हैं और यहाँ पिक्चर ट्यूब से जो बेस लगी हुई है इसे हम बाहर निकालेंगे। तो हम टीवी को ऑफ कर चुके हैं, अब इस बेस को जो है दोस्तों हम बाहर निकालेंगे। दोनों हाथों से हम पकड़ लेंगे और इस तरह से हल्की सी बाहर की ओर खींचेंगे। तो ये निकल चुका है और यहाँ जो ये प्लास्टिक लगी हुई है ये भी हमारी उठ जाती है दोस्तों, इसीलिए देख सकते हैं
यहाँ जो बेस लगी हुई है, बेस को आप सब गौर से देखेंगे दोस्तों, हम दूसरा कोई एक बेस लाते हैं उसके बाद हम आप सबको दिखाएंगे। यहाँ हमारे पास दूसरा एक बेस है और बेस को दोस्तों गौर से देखिए आप सब, इस बेस में और इस बेस में क्या अंतर। देखने में आप सबको एक ही जैसा लग रहा है, कोई भी फर्क नहीं लग रहा है, लेकिन दोस्तों हम इस साइड जैसे ही पलटेंगे आप सबको एक नतीजा जरूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों क्या है नतीजा अभी भी नहीं पता चला है, तो चलिए हम दिखाते हैं। दोस्तों इसमें जो लेग लगी हुई है तीन, उसको गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात, इसमें सात पिन लगी हुई है। और जो हम जो बेस इस सर्किट में लगा हुआ है उस बेस को एक बार गिन के देखिए, जो इसे सेट किया है उस बेस को थोड़ा सा गौर से आप सब गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लेग है। और जो सिक्स लेग सेवन लेग है इसमें, जिसमें ग्रीन का कैथोड लगा हुआ रहता है, वो पिन गायब है। तो दोस्तों कहाँ से हमारी टीवी पर जो है दोस्तों अच्छी क्वालिटी का पिक्चर आएगा, कहाँ से आएगा दोस्तों? देख सकते हैं यहाँ से भी पिन गायब है। अगर इस तरह की फॉल्ट आ जाती है तो कैसे सॉल्व करेंगे बिना बेस बदले? तो चलिए हम दिखाते हैं। तो दोस्तों हम एक छोटा सा वायर ले लेंगे जो कि हम इस तरह की, और जो कि जहाँ बेस लगी हुई है उस जगह हम इस तरह से एक वायर को मोड़ लेंगे। चलिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इस पार्ट को अगर आप लोग ध्यान से नहीं देखेंगे तो कभी जो है दोस्तों टीवी पर ऐसी फॉल्ट अगर आ जाएगी दोस्तों और आपके पास बेस नहीं रहेंगे तो आप किस तरह से रिपेयरिंग करेंगे। तो दोस्तों यहाँ जो ग्रीन का होल है दोस्तों, ग्रीन का पॉइंट जो है, सॉरी दोस्तों ब्लू का कैथोड का जो होल है उसमें हम एक वायर को सेट करेंगे इस तरह से, और पिक्चर ट्यूब पर जो है दोस्तों सीधे कुछ नहीं करना है, ऐसे सेट कर देना है, इस तरह से हम सेट कर देंगे। और यहाँ जो है पिक्चर ट्यूब के बगल में यहाँ एक छोटा सा वायर को कट कर देंगे और सीधे जाके हम सॉल्ड कर देंगे जहाँ हमारी कैथोड लगी हुई है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम कट कर लिए हैं। अब जो है दोस्तों इस जगह बड़ा नीप जो है दोस्तों, बड़ा नीप लगता है, यहाँ से कैथोड है हमारी ब्लू कैथोड, इसी में हम सॉल्ड कर देंगे। तो ये सॉल्ड हो चुका है। अब चलिए हम जो है दोस्तों फिर से दोबारा टीवी को हम स्टार्ट करेंगे और आप सबको दिखाएंगे जो पिक्चर था दोस्तों येलो कलर की आ रही थी, अब हमें देखने में किस तरह लगता है। तो चलिए हम सीधे ले चलते हैं दोस्तों पिक्चर ट्यूब पर और जाके हम देखेंगे। तो टीवी हमारी स्टार्ट हो चुकी है और आप देख सकते हैं दोस्तों ये पूरा क्लीन पिक्चर हमारी सीआरटी टीवी पर आ रही है, कोई भी फॉल्ट अभी देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, वीडियो आप सबको ज़रूर ही अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियो देखना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।